अस्सलाम वालेकुम। काम जो है ना, मैं घर जो है, ये देखिए इससे चने, ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आजकल सिडनी का मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। मौसम का काफ़ी इम्पैक्ट होता है मूड के ऊपर, कामों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो जब मौसम इतना अच्छा होता है ना, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपना घर को है डीप क्लीन करूँ और सारे काम जो है ना मैं घर के वो करूँ, और मैं बड़ी खुश रहती हूँ फिर जो है घर के काम करने में और चीज़ें करने में। जब मौसम लेज़ी होता है तो हमें भी बहुत ज़्यादा लेज़ी करता है, डिप्रेस करता है। तो अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर है, ब्लेस्ड कंट्री है कि यहाँ पे वेदर के मामले में आपको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि हम कनाडा के बारे में या दूसरे कंट्रीज के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक टाइम आता है कि बंदे को डिप्रेशन भी होने लगता है। यहाँ पे सर्दियों में शाम में होता है, लेकिन एज सच यहाँ पे लाइफ जो है वो चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मौसम जो है ना बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आज सारे काम कर लूँ और आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये है वीडियो पिछली रात की। रात को सोने से पहले मैंने जो है ना अपने चने जो हैं वो भिगो दिए थे। ये 1 kg का चनों का पैक है। मैंने कुकर में ही पानी ले लिया था और उसी के अंदर मैंने 1 kg जो चने हैं वो भिगो के रात को रख दिए थे। मैंने कहा सुबह उठ के जो है ना मैं कुछ ना कुछ चनों का जो है वो कर लूँगी। बस यहाँ पर हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है। बच्चों को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ। घर आने के बाद मैंने बाकी टास्क किए हैं और अब मैं जो है किचन में आई हूँ। मैंने आके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने प्याज काट लिया था, टमाटर काट लिए थे जी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना कुकर में अपने चने बॉईल कर लिए हैं। तो अभी जैसे ही इनकी गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं चनों के जो है ना वो पैकेट्स बना के फ्रीज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जो है चनों को हम फ्रीज़ करते हैं। वैसे तो जब हम चनों को फ्रीज़ करते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो चने का पानी अगर हम फ्रीज़ नहीं करेंगे तो जो है हम जब सालन बनाते हैं तो उसके अंदर जायका नहीं आता। तो हम इसको पानी समेत, कुछ को पानी समेत करेंगे और कुछ को हम सेपरेटली उसके पोर्शंस बना के करेंगे, ताकि अगर हमें चाट के लिए चने चाहिए तो उसके लिए हमारे पास अलग से पोर्शन हो। तो अभी मैं इसकी जो है ना वो उसका गैस रिलीज होने का वेट कर रही हूँ और साथ में जो है ना अपना पास्ता बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पास्ता है मेरा, ये बॉयल हो रहा है क्योंकि आजकल ना क्या है कि एशिया कप के मैचेस चल रही हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मैच बहुत शौक से देखते हैं, तो लेट नाइट तक कुछ ना कुछ वो मैच देख रहे होते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं, तो मंचिंग चल रही होती है साथ साथ। तो इस वजह से कुछ ना कुछ घर में पास्ता अगर बना हो तो वो रात को लेट नाइट भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैं साथ में पास्ता बना रही हूँ। मेन डिश जो है वो अलहदा बनेगी, उसके लिए मैंने प्याज कट किया है, टमाटर कट करके रख लिया है, लेकिन अभी जो है मैंने कुकिंग स्टार्ट नहीं की क्योंकि अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या पकाऊँ। सुबह से मैं सोच ही रही हूँ कि कभी मैं एक डिश का सोच रही हूँ, कभी दूसरी डिश का सोच रही हूँ, तो देखते हैं आप फिर मैं क्या बनाती हूँ। और बाकी जो है साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रही थी कि कल मैं कुछ डिफरेंट टास्क करूँ, तो आज मैं किचन के ना मैक्सिमम काम कर रही हूँ। किचन के अंदर मैं अपनी जो है फ्रिज की डी क्लटरिंग कर रही हूँ। साथ साथ अगर मुझे कुछ नज़र आ रहा है, जैसे मुझे चने नज़र आ गए, तो मैंने चनों को जो है रात को मैंने सोच लिया था कि चनों का कुछ ऐसा करके रख दूँ ताकि अगर मैच के दिनों में किसी को अगर चाट खानी है तो मैं चाट बना सकूँ, अगर किसी को कुछ चना पुलाव खाना है रात को 12 बजे 1 बजे ऐसे ही दिल कर गया तो फटाफट वो तैयार हो जाए, अगर कोई मुझे सालन बनाना है उसमें मुझे हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो मैं 1 kg जो है ना चिक पीज उनको बॉयल करके फ्रीज कर दूंगी पूरा मंथ, बल्कि 2 months में भी मेरी हेल्प हो जाएगी इसमें। और इसमें बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो ओवरनाइट मैंने उनको सोक कर दिया था, दूसरा ये कि अब मैंने उनको जब निकाला है उनको मैंने बॉईल कर लिया है, तो अब जो है ना मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं जितने भी किचन के काम है ना वो मैं ऐसे करती हूँ कि अब किचन का काम जैसे ये बॉयल हो रहा है तो साथ में मैंने दूसरा काम कर लिया, यानी कि दोनों चीज़ें मेरी एट अ टाइम तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पर पास्ता मेरा तकरीबन ये देखें बॉयल होने वाला है, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ पास्ता भी बॉईल हो रहा है। तो पास्ता बॉईल होगा, पास्ता हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे, चिकन के साथ मैं इसको नहीं बनाती। उसकी एक रीज़न है कि पास्ता जो है ना बच्चे लंच बॉक्स में एज अ स्नैक, एज अ मैच के टाइम पे, एज अ एंटरटेनर यूज़ करते हैं, और प्लस ऑन टॉप ये जो है ना पिंक सॉस पास्ता इसको बोलते हैं। ये व्हाइट सॉस और रेड सॉस दोनों का मिक्सचर करके मैं एक बनाती हूँ। वैसे आप रेड सॉस में भी बना सकते हैं, व्हाइट सॉस में भी बना सकते हैं, मैं दोनों को मिक्स करके एक पास्ता बनाती हूँ जो कि पिंक सॉस पास्ता है। मैं इसको सिंपल बनाती हूँ। अगर किसी को जैसे रात में किसी को दिल कर गया कि वो पास्ता खाना चाहता है, तो मैं चिकन जो है ना वो भी आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, जो मैंने उस दिन मैरिनेट किया था पिछली एक वीडियो में, कि मैं उसे जो कहती हूँ ना रलिया मिलिया चिकन, उसको मैं फटाफट से थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ या एयर फ्रायर में उसकी स्ट्रिप्स फ्राई कर लेती हूँ और इसके साथ मैं सर्व कर देती हूँ, विच इज़ द बेस्ट वे। तो मेरे लिए वर्क करता है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। तो मैं जो है अभी पास्ता बॉईल कर रही हूँ और आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें प्रेशर कुकर है,
वो मैं ओपन करने लगी हूँ। ये आराम से ओपन हो गया और मैं आपको चने दिखाती हूँ। ये मेरा है ना, इसके अंदर मैं आपको अभी आपके सामने ही मैंने इसको ओपन किया है। ये देखें, इसके अंदर पानी जो है ना वो बस इतना ही है कि ये देखें चने भी बॉयल हो गए हैं और पानी जो है उतना ही। और जो है अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा ज़बरदस्त, बहुत ही गर्म है चना, चना जो है ना बहुत ही परफेक्ट कंडीशन में बॉयल हुआ है। ये देखें अब थोड़ा सा ये गर्म भी है, ये देखें प्रेस करने पे ये अच्छा जी। तो मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ बहुत ही काम की। ये होता है जिपलॉक पैकेट, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। मैंने एक बाउल ले लिया है जो मेरे मुताबिक जो है काफी बड़ी, मेरी मतलब मेरे हिसाब से इतना बाउल जो है ना मेरे लिए काफी सही रहता है। तो इतने बाउल के अंदर मैंने इस पैकेट को रख लिया है क्योंकि मुझे अंदाजा हो जाए कि मैं कितने चने ले रही हूँ। तो यहाँ से मैं चने लेती जाऊंगी, ये मेरा पानी ड्रेन होता जा रहा है और ये इसके अंदर मैं डालती जा रही हूँ, चने लेती जा रही हूँ और ये यहाँ पे मैं इसके अंदर ये फिल आउट करती जा रही हूँ। तो इस तरह ये वो चने हैं जो मैंने चाट के लिए यूज करने हैं। देखिए पानी जो है ना वो ड्रेन होता जा रहा है और ये यहाँ पे ये जो मेरा पैकेट है ना ये फुल हो चुका है। तो जैसे ही ये मेरा पैकेट फुल हो जाएगा तो मैं इसको सिप लॉक कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक पैकेट जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये देखें के लिए मैंने ये जगह छोड़ दी है ताकि इसकी जो एयर है ना वो रिलीज हो जाए। सालन के लिए जो है ना मैं इससे इसका पानी सबसे पहले ले लूंगी और ये देखें उसी तरह मैं इसके पानी के साथ सबसे पहले मैं इसमें तीन जो है ना तीन स्पून जो है इसमें पानी ले लूंगी क्योंकि इतना पानी ऑलमोस्ट होना चाहिए तब आपके जो है ना वो अच्छा बनता है, आपका सालन अच्छा बनता है। उसके बाद मैं दूसरे चम्मच से इसके अंदर चने डाल दूंगी, पानी समेत मैं इसको सेव करूंगी क्योंकि जिसमें मुझे पानी नजर आएगा ये मैं सालन के लिए यूज करूंगी और जिसमें मुझे पानी नहीं नजर आएगा वो मैं दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो ये पानी समेत जो है ना ये वाले चने मेरे सेव होंगे। इसको मैंने यहीं पे लॉक कर दिया, पानी समेत ये चने जो है ना मेरे वो सेव हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने बाकी चनों को भी जो है इसी तरह से जिप लॉक में उनका पानी डाला था, साथ में चने डाले थे। थोड़ी सी जो है ना मैंने उनके अंदर से धुआं और हवा निकलने दी थी ताकि जो है ये गरम गरम ना रहें। तो फिर उसके बाद उनको जिप लॉक में पैक कर दिया था और इसी तरह मैंने उनको छोटे से एक वर्टिकल कंटेनर में डाल लिया था। अगर आपके पास ग्लास है तो आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे मैंने ये जो है मेरे पास कंटेनर पड़ा हुआ था एक दही का, तो मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया था। तो अब मैं इसको जिप लॉक करने वाली हूँ। मैंने इसे हाफ जिप लॉक किया है और इसको फ्लैट करूंगी। फ्लैट करने से क्या होगा कि जितनी एयर है ना वो सारी इसमें से निकल जाएगी। मैं इससे चने आपस में नहीं जुड़ेंगे, एक एक चना अलहदा रहेगा। और ये देखें ये मेरा एक पैकेट तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब सेम इसी तरह से इसको भी मैं फ्लैटन आउट करूंगी और यहाँ से हवा रिलीज होगी। जब ये फ्लैट हो गया तो फिर मैं इसे आखिरी जो इसका कॉर्नर है ना वहाँ से भी मैं इसको लॉक कर दूंगी। पैकेट मेरे इसी तरह ऊपर नीचे आ गए, इससे ना ये देखें कितनी कम जगह ये ले रहा है। 1 2 ये वाले चने इनको भी मैंने ऐसे जिप आउट कर लिया और ये देखें ऐसे फ्लैटन आउट फिर से। और ये थ्री पैक्स ना वो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे और ये ऐसे बिल्कुल सीधे इनको अब मैं फ्रीज कर लूँगी। 1 2 3 4 अगर मुझे हाफ पैकेट चाहिए मैं इनको निकालूंगी और हाथ से ऐसे क्रक करूंगी और सारा जो हाफ पैकेट है वो बाहर आ जाएगा और थॉ हो जाएगा। तो ये बड़ा परफेक्ट तरीका है चना चाट बनाने का। तो ये चना चाट मेरी यहाँ पे चना जो है वो मेरे लिए बॉईल होके रेडी हो गया है। ये जो मेरे चने मेरे जो हैं वो ये फ्रीजर में मैंने जगह बनाई है। ये देखिए 4 के 4 पैकेट इस तरह से आ गए हैं, ठीक है। अब ये फ्रीज जब होंगे मैं इनको जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो ये ट्रे मैं निकाल दूंगी और इनको स्ट्रेट खड़ा कर दूंगी ताकि फ्रिज में जितनी जगह है ना स्पेस बनती जाए। और ये है मेरे 2 कंटेनर जो मैंने रखती हैं। वैसे मैं एक सिंपल सी टिप देना चाहूंगी कि लोगों के घर में ना स्टील के ग्लास होते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप पैकेट में नहीं डाल सकते तो आप पानी के साथ उनको स्टील के ग्लास में, क्योंकि वो वर्टिकल होता है लंबा, तो आप उसमें डाल के आप फ्रीजर में रखते हैं और जब आपको चाहिए हो तो आप वो एक ग्लास निकाला और यूज कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ।
जब तक मैंने चने संभाले तब तक जो है मेरे पास्ता बॉईल हो चुका था, तो फिर यहाँ पे मैंने पास्ता बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिया था ऑयल, ऑयल में मैंने ले लिया था थोड़ा सा बटर, बटर को थोड़ी देर मेल्ट होने दिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक का पाउडर। मेरे पास फ्रेश गार्लिक मौजूद नहीं था, अगर आपके पास हो तो मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप फ्रेश गार्लिक को चॉप करने के बाद इसके अंदर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने डाला था गार्लिक पाउडर। इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था अपना प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। थोड़ा सा मैदा मैंने तो अंदाज़े से डाला था, बस थोड़ा सा मैंने इसको डालने के बाद थोड़ा सा देर इसको फ्राई किया था बटर के अंदर। इसे अच्छी तरह से सॉटे करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 कप ऑफ मिल्क। तो मैदे की वजह से ना बहुत अच्छी सी स्लरी बन गई थी, तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड कर दिया था ताकि ये पतला हो जाए। उसके अंदर मैंने चिकन क्यूब डाल दिया था, थोड़े से मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए थे और थोड़ा सा टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया था। अगर आपके पास कटे हुए टमाटर हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके। थोड़ी सी क्रश चिली, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी इसमें। मेरे जो है ना जो भी मसाले मुझे समझ आ रहे थे मैं डालती जा रही थी। एक क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरे का पाउडर मैंने इसके अंदर डाला था। थोड़ी सी वाइट पेपर भी डाल दी थी क्योंकि जितने भी मसाले होते हैं ना बड़े मज़े का टेस्ट आता है, तो मैंने ओरिगैनो पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया था। तो ये सब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और देखें इसका कलर जो है ना वो पिंकिश सा होना शुरू हो गया था। वैसे मैंने इसके अंदर सॉस बहुत कम डाली थी, तो मैंने इसके अंदर जो है ना मेरे पास अगर चिली गार्लिक सॉस पड़ी हो तो मैं वो डाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास पड़ी हुई थी सिराचा सॉस। ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होती है तो मैंने ये डाली थी। वैसे मेरी फेवरेट जो है वो चिली गार्लिक सॉस होती है, तो अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। तो बस इसको हिला के अच्छी तरह से इसकी जब कंसिस्टेंसी सेट हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर इसका पास्ता डाल दिया था और अच्छी तरह से इसको पास्ता को जो है ना इस स्लरी के अंदर अच्छी तरह से घुमा फिरा लिया था ताकि सॉस जो है इसके अंदर अच्छी तरह से ऐड हो जाए, क्योंकि हम इसमें कोई भी चिकन कोई भी तरह की चीज़ शामिल नहीं कर रहे, तो ये सिर्फ सॉस के साथ प्लेन पास्ता मैं बना रही हूँ। तो जब पास्ता ने मुझे अच्छी सी वाइब्स देना शुरू कर दी थी तो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी थोड़ी सी चिली सॉस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर पसंद है। ये डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से घुमा फिरा लिया था और जब देखा कि इसके अंदर सॉस अच्छी तरह से ऐड हो चुकी है तो मैंने इसके अंदर ऊपर डाल दी थी चीज़, और अपने टेस्ट बड्स को सुकून देने के लिए मैंने इसके ऊपर डाल दी थी चिलीज़। इसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया था, तो जब मैंने इसके दम पे रखा था 5 मिनट्स के बाद इसकी चीज़ जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी थी। ये मैंने इसका जब ढक्कन उठाया तो इसका जो है वो टेस्ट और इसका टेक्सचर कुछ यूँ था। अब मैंने चीज़ को इसके अंदर मिक्स करना था, तो फिर मैंने सारे पास्ता को एक दफ़ा से अच्छी तरह से हिला लिया था ताकि सारा पास्ता चीज़ के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो है ना पास्ता मेरा रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़े का मेरा पास्ता बना था। मैंने इसको ट्राई कर लिया था, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। चिकन क्यूब इसमें ज़रूर डालें, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। और फाइनली मैंने इसके ऊपर पार्सले लीव्स डाल दिए थे, वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल लें, नहीं हो तो ना डालें। वैसे भी इसकी कोई डेफिनेट रेसिपी नहीं होती, पिंक सॉस वाइट सॉस किसी भी में बना के खाएं, पास्ता बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो मैंने इसको जो है अपने स्टाइल से बना लिया था। तो यहाँ पे जो है ना मेरा पास्ता भी रेडी हो चुका है बच्चों के लिए, तो फिर मुझे याद आया कि आप जो है ना मेन डिश जो है वो तो रह गई है, जो आज का डिनर है वो भी तो बनाना है, ये तो साइड आइटम्स थे। तो मेन डिश के लिए मेरे पास टाइम काफ़ी कम बचा था, मैंने कहा जी आज चिकन कढ़ाई बनाते हैं। मैं आपको क्या याद करेंगे, आज आपको बताती हूँ जी क्विकेस्ट तरीन चिकन कढ़ाई जो मैं सबसे ज़्यादा ईजीली बनाती हूँ, वो है जी अपने बेस्ट फ्रेंड कुकर का इस्तेमाल करके। मेरे से जो है ना क्विक तरीन काम जो है ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुकर के अंदर ना प्याज टमाटर और अपनी चिकन जो है ना वो डाल ली थी, बड़े ही आसान इसके मसाले हैं। 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया था और उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून इसमें सुरख मिर्चें बहुत ही कम जाती हैं, और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी डाल के बस मैंने कुकर को जो है ना बंद कर दिया था 5 मिनट के लिए। आप अपने अंदाजे से इसको बंद कर सकते हैं थोड़ी देर, इसमें 1/2 कप से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा क्योंकि पानी हमने ड्राई नहीं करना। बस जी फिर काम आसान कर लिया। मैंने ना एक कढ़ाई रखी हुई है चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ना, ये स्पेशल मैंने एक चौड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर जो है ना जब मैंने कुकर खोल लिया था ना तो मैं चिकन निकाल निकाल के इसके अंदर डाल रही थी और इसको मैंने ना फिर ऑयल के अंदर फ्राई करना शुरू कर दिया था। बस इसको अच्छी तरह से मैंने भुना था, टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह से गल गए थे, सारा कुछ अच्छी तरह से जब फ्राई होना शुरू हो गया था हल्का हल्का जो इसका पानी था कुकर में वो भी मैं इसके साथ डालती जा रही थी, इसको भूनती जा रही थी। जब ये फुली ड्राई हो गया था एक साइड पे मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया था। ऐ जी मसाला है दी जान है, ये मसाला आपने ज़रूर बनाना है। ये है जी सूखा धनिया, सिर्फ सूखा धनिया मैंने फ्रेश ग्राइंड किया है। अब मैंने इसके अंदर डाला है जी जीरा पाउडर, जीरा पाउडर के अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, वैसे तो मैं फ्रेश पीसती हूँ लेकिन आज मैं बहुत ही जल्दी सा इसकी वजह से
ना मैंने नहीं पीसी, पर मैंने पीसी भी डाल ली है, लेकिन आप इसे पीस लें। मेरे पास जी तकरीबन 15 मिनट थे खाना बनाने के लिए, तो मैंने 15 मिनट में ये रेडी की है। तो बस फिर ये मसाले देखें जी, मैं पानी डालती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ, पानी डालती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। तो जब ये अच्छी तरह से भून चुका था, मेरी तसल्ली हो चुकी थी दिल की, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि आप इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा दही डालूँ। तो दही डालने का मेरा कोई डायरेक्ट दिल था नहीं, मैंने दही का थोड़ा थोड़ा पानी डाला पहले, फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता दही भी डाला थोड़ा सा। उसके बाद मुझे फील हुआ कि ज़्यादा दही की भी ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छी तरह से भुन गया था ना, तो बस ये तकरीबन 5 मिनट का प्रोसेस होता है, सब कुछ भुन जाता है अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थिकन क्रीम जो थी ना वो मैंने डाल दी थी। तो मैंने जो है इसमें दही कम डाला था, मलाई इसके अंदर ज़्यादा डाली थी। इससे इसका जायका जी बहुत ही मज़े का बनता है, क्रीमी हांडी बनती है रेशमी स्टाइल की। आप एक बार बना के देखें, आप फ़ैन हो जाएंगे। उसके बाद ये मसाला जो मैंने अभी पीस के साइड पे रखा था ना, सारा काम है ना मसालियाँ दा जे, सारी गेम है ना मसालियाँ ने चुकनी जे। ये मसाले आपने ज़रूर पीस के रखने हैं। उसके बाद ऊपर डाल दिए हरा धनिया, हरी मिर्चें। थोड़ी देर मसाले को ऊपर मैंने बैठने दिया था, मैं कह ज़रा दोस्ती शोस्ती कर लें, फिर उस बाद इन्होंने लावांगी। उसके बाद इनकी जब दोस्ती इनको हिला जुला लिया था मैंने अच्छे तरीके से, और ये जो है ना देखें फौरन इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। मैंने इसके ऊपर धनिया डाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार मेरी जो है ना हांडी रेडी हो गई थी, बहुत ही शानदार। लेकिन अभी एक जो चीज़ है ना वो बाकी थी, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनवा रही हूँ। देखें मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी। ये है जी हमारी हांडी की फाइनल लुक, बहुत ही शानदार 15 मिनट में बनने वाली जो है ना ये चिकन कढ़ाई है, मलाई चिकन कढ़ाई। अब इसके अंदर मैं जो है ना एक फ़ाइनल टच अप देने लगी हूँ, जो कि मैं ज़रूर देती हूँ। बस इस पॉइंट पे जब सारे मसाले भी पक गए हैं, हर चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी है ना, तो मैंने जो है ना अच्छी तरह से इसको हिलाया जुलाए बगैर ही जो है चूल्हे पर छोड़ दिया था। आखिर में मैंने एक बाउल ले लिया था छोटा सा, उसके अंदर ऑयल डाल लिया था, उसके ऊपर मैंने कोयला रख दिया था और उसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया था। देखें जी धुआं तार हो गया जो सारा काम। तो फिर उसके बाद मैंने अपने दिल को कह दिया था जिले तेन मना किता सी इनिया मुहब्ता ना पा। देखें जी मैंने सारी क्रीम इसके ऊपर डाल दी है, तो जिले की मुहब्तें भी इस पे जा चुकी हैं। तो बस फिर हमारा जो है खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी ये हांडी ज़रूर ट्राई करें और खुश रहें। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।